360 को आपमन को स्वागत करुची मु जागृति महंती। निज मनर कथा कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलित बर्षर शेष मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को 2020 पई शुभकामना जणाइछंती प्रधानमंत्री। कहिछंती आमर नुआ पीढ़ी अनेक किछि करबा को चाहूची। जाति प्रथा परिवारवाद अराजकता को नुआ पीढ़ी विरोध करे। युवा पीढ़ी को ऊपर स्वामी विवेकानंदंकर विश्वास थिला बोली मोदी कहिछंती। एथिसहित आगामी 2-3 वर्ष जाए स्थानीय उत्पाद किणबा को परामर्श देइछंती। भारतर स्थानीय उत्पाद पई महात्मा गांधी जन आंदोलन करथिले। किछि महान व्यक्ति देशर स्वप्न पूरण पई प्राणबलि देइछंती। से पुणी कहिछंती जम्मू एवं काश्मीर हिमायत कार्यक्रम रे 18,000 युवक को तालीम मिलिछि। सेथि मधरु 5,000 जन को नियुक्ति मिलिछि। एथिसहित लोकसभा और राज्यसभा रे फलप्रसू आलोचना को प्रशंसा करिछंती प्रधानमंत्री। लोकसभा रे 114% और राज्यसभा रे 94% सफल होइछि। बजेट अधिवेशन रे संसद रो सफलता 135% थिला। स्कूल कॉलेज रे महाकाश विज्ञान क्लब खोलिबा को प्रोत्साहन देइछंती। एथिसहित सूर्य रो अनुध्यान पई आदित्य सैटेलाइट छड़ा जीव बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। 60तम मन की बात कार्यक्रम रे आज प्रधानमंत्री निज मनर कथा कहिछंती। और आपका 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेष करके मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करें तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था अस्थिरता इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है। देखिबा परवर्ती खबर। आज झारखंड आरंभ होउछि सोरेन सरकार। मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेउछन्ति हेमंत सोरेन। बीजेपी को क्षमताच्युत करिबारे परे राज्य 11तम मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबाकु जाउछन्ति हेमंत सोरेन। दोपहर 2टा समय रे रांची रो ऐतिहासिक मैदान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिवे। तांका सहित कांग्रेस रवि किछि नेता एवं आरजेडी नेता मध्य आज मंत्री भाव में शपथ नेबे। तेज आसंत संपर्क में विस्तृत भाव में जाना और आखि सामने चित्र कौन रही जाना एपं सीधा सड़क रांची मोरहाबादी मैदान को नहीं जाऊँगी। सेठे अच्छा मोर सहयोगी अच्छा राजेश तोमर। राजेश, और कुछ ही समय में हेमंत सोरेन की ताजपेशी है, वहीं पता चला है कि कई दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे।
देखिए अगर आप यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह की बात करें, बहुत ही भव्य तरीके से इसकी तैयारी की गई है। हेमंत सोरेन पहली बार यहाँ पर शपथ लेंगे, इस तरह से लेंगे। हालांकि इससे पहले भी वो सरकार में शामिल हुए थे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से उनको बहुमत मिला, बहुमत के बाद उनकी सरकार यहाँ पर आज शपथ लेगी। जिसमें अगर सरकार की बात करें तो सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सिर्फ हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर ओथ लेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस उनके सहयोगी दल है उससे दो मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव वो दो शपथ लेंगे, और एक दूसरा जो अन्य सहयोगी है आरजेडी इससे एक मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वो है सत्यानंद भोक्ता। यहाँ पर आज कुल चार लोगों को शपथ दिलाया जाएगा। जो राज्यपाल महोदया है द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ पर शपथ दिलवाएंगी, लेकिन जो सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पर जो 12 की संख्या है मंत्रालय का, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी होंगे, ये तमाम लोगों का जो शपथ ग्रहण है वो बाद में दूसरे पेज में होगा। ये कहा जा रहा है झारखंडी परंपरा के अनुसार कि कई लोग शुभ कार्य 14 तारीख के बाद करेंगे, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो 14 तारीख के बाद शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तैयारी और अलग अलग अगर वीआईपीज की बात करें, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे, यहाँ पर चश्मदीद बनेंगे। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बन रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो बड़े डिग्नेटरीज हैं उसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब आएंगे, भूपेंद्र बघेल आएंगे जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, स्थानीय यहाँ पर पड़ोसी राज्य भी है, कई और वीआईपीज हैं। और इसके अलावा जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेस से जुड़े बड़े नाम हैं, टीवी नरेंद्रन है, नवीन जिंदल है, वो तमाम लोग यहाँ पर चश्मदीद बनेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर अलग समर्थक लोग होंगे, झारखंड से बड़ी संख्या में लोग बुलाए गए हैं। अभी एक घंटे का वक्त है, जैसे ही वक्त ये गुजरेगा तकरीबन 1:30 बजे के बाद तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। आप मंच को देख सकते हैं कि मंच पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा भव्य मंच बनाया गया है जहाँ पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। अभी वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। जो वीआईपीज हैं वो 1:30 बजे के बाद यानी कि 1:30 के बाद वो आना यहाँ पर शुरू करेंगे। बड़े वीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक विषय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, तो उनके जो उनका जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में क्या दर्शकों को सूचना देना चाहेंगे आप? देखिए जो शिबू सोरेन हैं, जिनको कि दिसम गुरु भी कहा जाता है, शिबू सोरेन इस राज्य के बनने में एक अगुवा नेता थे। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, ये तमाम लोग थे जो झारखंड राज्य के आंदोलन को छेड़ा था। 2000 में जब ये राज्य बना, शिबू सोरेन यहाँ के सबसे बड़े अगुवा नेता के रूप जाने जाते हैं। शिबू सोरेन के ये द्वितीय पुत्र हैं, शिबू सोरेन के कुल 3 पुत्र हैं, जिसमें कि दुर्गा सोरेन जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, हेमंत सोरेन ये उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्या करते थे, और बसंत सोरेन जो सबसे छोटा है। इसके अलावा एक बेटी उनकी है अंजलि, जो कि उड़ीसा में ही रहती है और इस बार उन्होंने चुनाव भी वहाँ से लड़े थे। अगर हेमंत सोरेन की बात करें, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में इनको छोड़ना पड़ा, चूंकि असामयिक निधन के बाद, दुर्गा सोरेन की मौत के बाद परिवार में इनकी जरूरत हुई। 2011 में ये पहली बार सरकार में शामिल हुए बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पे। ये 2 बार विधानसभा के चुनाव जीते हैं, इससे पहले वो राज्यसभा के एमपी थे। एक लंबा इनका अनुभव रहा है अगर हाल के दिनों में लिखें, लेकिन फिर भी ये काफी युवा हैं, बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। और यही कहा जा रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके बारे में कहा जाता है कि जल जंगल जमीन जो गुरुजी ने बात की थी, जो उनके पिताजी ने बात की थी, लेकिन ये उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ऐसे में झारखंड का जो एक अलग चेहरा है वो आपको दिखेगा इस बार इस सरकार में दिखेगा। जी बिल्कुल, देखना बाकी रहता है कि एक्सपीरियंस कितना काम देगा, चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं वो। सूचना के लिए धन्यवाद आमसहित थिले दर्शक बंधु राजेश तोमर और रांची प्रतिनिधि जे की मोरहाबादी मैदान अपन मन को ताजा चित्र देखुले। घंटा रु कम समय बाकी अछि हेमंत सोरेन कर आज शपथ ग्रहण समारोह अछि, एवं से आज द्वितीय थर पर मुख्यमंत्री भाव में शपथ नाप जाऊँच से कमी परेश रही तार ताजा चित्र आम प्रतिनिधि आपण मूँ देखते तेज सोरेन सरकार आरंभ तो हे कि बैकग्राउंड कौन रही से विषय में आम आगक जाना कि पूर्व आसतु बालेश्वर में बर्तमान गोटे बड़ खबर सामना को आसू नजर पकईनवा बालेश्वर शोभरामपुर रेल ओभरब्रिज काम बेले अघटन ओभरब्रिज लुहा ब्लाडर पड़ी छिड़ा तार फल ट्रेन चलाचल बंद हो सका रेल ओभरब्रिज काम चलता बेले अघटन घटी जो ट्रेन चलाचल बंद रही तेरे वर्तमान कौन चली जाना एपं सीधा सड़क बालेश्वर नहीं जाऊँगी से अच्छा मोर सहयोगी सत्यजित सेनापति। सत्यजित दुईट प्रश्न मोर आप घटना घटला केमी घटला ता सहित स्थिति स्वाभाविक होगा के समय लगे।
निश्चित भाव जागृति देखते प्रथम चित्र देखू जो रही कि वर्तमान जेहेतु लुहा प्लेट गोटाए गली पड़ा और अर्धटी अर्ध गला अवस्था रहा तेणु ये दुईटी को नजर रखी वर्तमान जो लुहा जो प्लेट गुड़ी रही जो ग्लाडर गुड़ी रही सबुगुड़ी बाहर कर सीधा सख चित्र देखते जे सबुगुड़ कि भाव में बाहर कर सबुगुड़ बाहर कर नगले जेहतु विपद संकुल अवस्था था जेहतु गोटाए गली पड़ा तेणु जेकोसी मुहूर्त अन्य जो ग्लाडर गुड़ी रही है गली पारे तेणु आपको दृष्टि रखी वर्तमान सब ग्लेडर गुड़ी जो बाहर कर ट्रेन लाइन देखी जो चित्र ट्रेन लाइन जो पूरा विशालकाय जो रही ग्लाडर रही संपूर्ण भाव में पड़ी रही जहाँफल वर्तमान ट्रेन चलाचल पूरा बंद हो संपूर्ण भाव में ठप अच्छी किंतु जहां सूचना मिलू रेल स्टेशन कर्तृपक्ष सूचना मिलू पांच रु छ घंटा अति कम समय लगे स्थित स्वाभाविक हाक कि जेहेतु तार गुड़िक जो थी विद्युत तार गुड़िक से गुड़िकिड़ी जाती समुद्र पड़ा द्वारा तेणु आय द्वारा आ गोटे प्रश्न उठी जेहेतु जदि जो रही संपूर्ण जो रही पोल अंश जो गुड़ रास्ता रेलधारण पड़ी से गुड़क हटे दिजा कि तार गुड़िक ठीक हाक आहरी अधिक समय लगे तेज जहां सूचना मिलू जदि एगुड़ सबुगुड़ हटि जदि आवश्यक पड़े तेज डीजेल मध्यम ट्रेन जो जेकोसी ट्रेन जो रही बालेश्वर रेल स्टेशन रु सोर स्टेशन को निपर से विद्युत मध्यम चलचल प्रचल कर कारण संपूर्ण अंचल जो रही बालेश्वर रेल स्टेशन टू आरंभ कर पूरा अंचल विद्युत काट कर दिया जाए जो ट्रेन रेल विद्युत रही संपूर्ण भाव में काट कर दिया कारण पूरा तार छिड़ जाए पूरा जो कह गए चलाचल ठप हो जाए जहां सूचना मिश्र छ घंटा अति कम समय लगे आउ थ ट्रेन चलाचल स्वाभाविक हाक ट्रेन चलाचल आरंभ हाक अति कम छ घंटा समय लगे सर आप कत आसे कौन देखुं बर्तमान देखुची तो बर्तमान आसिले तो गाड़ टा लंच होता कारण रही कहीं सबकि सब ठीक ठाक सब जिन सब उठी जाता कि लास्ट रे क्रेन रोटे कौन उठाई जाते फास्ट जेटा दिए बाजिगला बाजिगला गड़गला तार गोटे गोटे सब गड़ी पड़ा कारण से बाजवा द्वारा है ना सब नाई लोक थे सावधान अवलम्बन करना असावधानता असावधानता रही जो प्रतिक्रिया शुणुले प्रत्यक्षदर्शी थे जो प्रतिक्रिया था सी देखु सर कैसे गिरा कैसे क्या कारण समझ में नहीं आया कैसे गिरा हमको मत दिखा भाई हम स्टाफ आप तो काम कर रहे थे कैसे गिरा आपको पता नहीं अचानक घुमा सब गिर गया धंधना के और कुछ नहीं जो शुणुले जो मैंने काम करते जो कर्मचारी रही भी जहां प्रतिक्रिया रही पाखे सठिक खबर ना से कम करते हटात कि भाव में गली पड़ा जदि जहां रेल कर्तृपक्ष सूचना दिया जाते पर्यत पूरा पूरी सब जो रही सेगुड़ हटा नजर से ट्रेन चलाचल करना कारण जत्री सुरक्षित रहा गोटे प्रश्न उठू कि अंपटे आपको चित्र देखी जो रेल स्टेशन पूरा बंद रही बालेश्वर रेल स्टेशन टू सबरामपुर गेट अति निकट तेणु स्टेशन पाखरे जेहतु घटना घटी रेल स्टेशन को संपूर्ण भाव बंद कर देखिपे ट्रेन गुड़ी कटक रही ट्रेन चलाचल जो देखा खड़गपुर भुवनेश्वर जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न जदि रेल माध्यम देखा संपूर्ण भाव में जोगाजोग विच्छिन्न अच्छी अति कम आशा कर छह घंटा मध्य ट्रेन चलाचल आरंभ हो पार कि स्पष्टीकरण कौन प्रकार समय दि जाऊना रेल कर्तृपक्ष पाखु कौन स्पष्टीकरण दि जाऊन के समय लगे कारण विद्युत तार गुड़ी छिड़ी जाइए जदि विद्युत तार भी आपको चित्र देखिए विद्युत तार काम आरंभ है कि जो लुहा प्लेट गुड़ी रही हटा नजटे तार को ना कष्टर हो पार कि विद्युत कर्मचारी मैंने देखुए रेल विभाग जो कर्मचारी रही कम आरंभ कले खुंटी में चढ़ी से विद्युत तेणु कह गो रेल स्टाफ अच्छा से पूरा जोरसोर लग पड़े यथाशीघ्र स्वाभाविक करने को परिस्थिति कि तथा जेहेतु बड़धर गोटे डैमेज होती तेणु ताक सांगे सांगे रिपेयर करवा कष्ट रही जहां सूचना मिलूँ जेहतु गोटाए क्रेन रही जहां सदर प्लेट गुड़ उठा जा आउ खड़गपुर दुईट क्रेन को डक जाने किसी समय मध्य पहुंचे पहुंचापर से कम लगे और सहित खड़गपुर दुईट टीम स्पेशली डक जो रिस्ट्रक्शन कम करने जो गुड़ डैमेज होती किभली भाव पुनराती युद्धकालन भितर कर तेरे रेल कर्तृपक्ष समस्त जो वरिष्ठ कर्तृपक्ष अच्छा आपको सी चित्र देखिए समस्त वरिष्ठ कर्तृपक्ष मैंने पहुंची इन्स्पेक्शन करपर जहां सूचना देखते डीआरएम पक्ष सूचना मिली इनक्वारी ये
सब जिन रेजिस्ट्रेशन सरला परे इंक्वायरी करा जिवो जे कोट केमती हला घटना घटिला आ किभली भाबरे घटना घटिला ताकु नै मध्ये तदंत करा जिवो। किंतु वर्तमान प्राथमिकता रहिछ जेहेतु अधिकांश लोक जो देखिबा जो खडकपुर रु भुवनेश्वर पर्यंत अधिकांश लोक रेल लाइन उपर निर्भर करंती तण ये जेतले संपूर्ण भाबरे बंद अछि आ सब लाइन देखिबा सब अप एंड डाउन सब लाइन पूरा बंद रहि जाइछि ठप हो जाइछि रेल चलाचल करि परुनी तार छिड़ी जाइछि आ वर्तमान लुहा प्लेट गुड़ी को गोटे परे गोटे उठा जाउछि एवं सेगुड़ी को संपूर्ण पोल रु हटा जीव तेणु ये गोटे पोल शबारामपुर पोल जो दीर्घ दिन दाबी रही रेल पोल ताकू नहीं सी पुणी केबे काम हम ये गोटे अन्य प्रश्नवाची सृष्टि कि सब भितर गोटे कर्तृपक्ष भूल आ शुणाक मिलूच कहते प्रत्यक्षदर्शी जो पांच टी रही प्लेट पड़ जाता है और शेष प्लेट टी रही सी पड़ा समय टी असावधानता है जहाँफल प्लेट टी बाजी जाता अन्य प्लेट गुड़ सहित और सब गोटाए गली पड़ा संपूर्ण भाव और द्वितीय अर्धगला रही जाता तेणु एभली अवस्था कर्तृपक्ष कौटना कौटी गोटे भूल कर जो मैंने दायित्व रही से पक्षर कौटना कौटी गोटे भूल होती जहां पक्षर भूल जहां बर्तमान तदंत कर प्रथम कथा रही बर्तमान किभली भाव में ट्रेन चलाचल स्वाभाविक कारण शह शह लोक बर्तमान अपेक्षा कर रही है रेल स्टेशन पक्ष सूचना मिली पांच घंटा पाई संपूर्ण चलाचल जो ट्रेन गुड़िका सेगुड़ी पांच घंटा सूचना दिया यात्री को पांच घंटा पर्यंत विलंब हो तार सठिक समय कहना जहां सूत्र मिलू खबर मिलू मिनिमम सात रु आठ घंटा लगर जो विद्युत सरबराह रही विद्युत सरबराह स्वाभाविक करने को रात दसटा पाखापाखी पाए तेणु जदिबा ट्रेन गुड़ी हटि प्राथमिकता दृष्टि डीजेल मध्यम जो ट्रेन रही बालेश्वर स्टेशन बाहर को व्यवस्था किंतु प्राथमिकता बर्तमान रही ट्रेन गुड़ी हटापी जागृति निहांती सूचना धन्यवाद सत्यजित आप पूरा खबर पर नजर रखी था हम परवर्ती बुलेटिन पुणि थे फेरबु आप दर्शक बंधु ये सत्यजित सेनापति थे हम प्रतिनिधि बालेश्वर शोभरामपुर चित्र आपंक देखा रेल ओवरब्रिज कम बेले अघटन घटला सविशेष।